ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में हम सब स्वागत करते हुए और आपसे आज के प्रातः वेला के योग सत्र में आज एक बहन जी से आपको मिलवा रहा हूँ, जिनको क्या समस्या है बताएंगे। कमर में दर्द है, पैर तकले नस खींचता है। जी जी, कमर में दर्द है और कमर से पीछे की तरफ से नस खींचता मेरी तक जाता है। कितना दिन से समस्या है? 2-3 साल से। 2-3 साल से दवाई बहुत कराई होंगी? दवाई तो कराए हैं। जी जी, ठीक हो जाइएगा आप प्रभु की कृपा से। आप क्लास ज्वाइन किए हैं, आज पहला दिन है इनका और आज हम इनको सैटिका के लिए और कमर दर्द के लिए दोनों अभ्यास करवाएंगे और दोनों अभ्यास को आसानी से आप कर सकती हैं और धीरे धीरे हम क्लास में बने रहेंगे और बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। आलस भी रहता है तो आलस भी दूर हो जाएगा। एक पैर को मोड़ दीजिए, दाहिना पैर को। अभी मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम सैटिका को यानी कमर से लेकर के जो एड़ी तक नस खींचता है उसको ठीक कर सकते हैं। दाहिना पैर को मोड़ दिए और बाएं पैर को उठा करके इसके ऊपर रखना है, यहां रखना, यहाँ रखो नीचे की तरफ, ठीक है। एक हाथ यहाँ लगाना है और जो पैर मोड़े हैं उसको हम सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब दोनों हाथ से यहाँ पकड़िए, ठीक, और इसे ऊपर की तरफ खींचना है। जहाँ खींचिए अपना अंदर और तानी से एक सीधा रखना है। जब मैं इधर दबा रहा हूं तो नस खींच रहा होगा, इधर ना खींचेगा। पैर मोड़िए थोड़ा सा नीचे रखिए। आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीका है सैटिका हो जाने पर, पीछे का नस खींचने पर उसका कोई दवा दुनिया में नहीं है, उसका एकमात्र अभ्यास है और उसी अभ्यास से आप ठीक हो सकते हैं। तो मैं उसका बहुत ही सुंदर सा अभ्यास दिखा रहा हूँ। फिर इस पैर को पकड़ेंगे, शुरू दिन करेंगे तो 5-5 बार ही करेंगे, उसी को एक बार और सीधा करेंगे और इसे आप यहाँ पकड़ के खींचना है। एक दो तीन पैर को नीचे करिए आराम से और इस पैर को भी उतार देना है। इस पैर को मोड़ के अब इस पैर को यहाँ रखना है, चेंज करना है। अब दोनों हाथ जांग से पकड़िए, पुनः इस पैर को उठाएंगे और एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ पैर को गिरा देंगे और दोनों पैरों को गिरा देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हथेली को एड़ी के पास लगाइए, नीचे दोनों पैर बराबर रखिए और कमर को उठाना है सांस भरते हुए। एड़ी के पास है, एड़ी को पकड़ेंगे और कमर उठाना है, कमर उठाइए सांस भरते हुए। ये पैर सीधा रहेगा 90 डिग्री पर, ये पैर जो है यहाँ रहेगा। हाँ, कमर को उठाएंगे, इस पोज का नाम है ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। सीधा उठाएंगे, उठाइए और उठाइए और उठाइए, थोड़ा होल्ड करिए 2-3 सेकेंड। ये
घुटना से लेकर कमर से लेकर कंधा तक एक सीध में होना चाहिए, और थोड़ा होल्ड करेंगे 3-4 सेकंड, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन करेंगे। डाउन करिए आराम आराम, इसे 5 बार करें। आज मैं 3 आसन बताऊंगा और जो आपके साइटिका दर्द के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। और उठाइए और उठाइए, घुटना से लेकर के एड़ी तक आपका 90 डिग्री पर रहेगा मुड़ा हुआ, और कंधा को दोनों जमीन पर रखेंगे। सांस भरते हुए कमर को और उठाइए, थोड़ा लटका के कमर रखिएगा तो दर्द बढ़ जाएगा। कमर को पूरा उठने दीजिए, फिर डाउन करिए, थोड़ा सा धीरे धीरे डाउन करिए, नीचे सटा दीजिए जमीन में धीरे से। एक बार और कर दीजिए इस अभ्यास को। यह ब्रिज पोज, जैसे पुल बनता है दोनों तरफ उसके पिलर होते हैं और फिर धीरे धीरे बीच से उठा हुआ भाग रहता है, तो ये बहुत शानदार अभ्यास है आपका। एक बार में 10 बार करना चाहिए और 5 राउंड करना चाहिए, बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे उसको डाउन कर दीजिए। अब पैर को पसार दीजिए। अब पैर पसारने के बाद अब करना क्या है कि दाहिना जो आपका पैर है उसके ऊपर बाएं पैर को रखेंगे, ये आपका दाहिना पैर है, और इस दाहिने पैर के ऊपर में यहां रखना है इसके ऊपर, या इसके नीचे भी रख सकते हैं यहां पर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब इस हाथ से इसको पकड़ना है आपको, ये हाथ से चौकी पकड़ना है आपको, ठीक, और इसे उधर जमीन की तरफ ले जाना है। चौकी पकड़े रहे, छोड़ना नहीं है, कंधा को जमीन में सटा कर रखना है। एक दबाइए, फिर सामने लाइए, बीच में लाइए इसको। इस क्रिया को 10 बार करिए। एक रुकेंगे थोड़ा सा, कंधा नहीं उठने दीजिए, कंधा को नहीं उठाना है, ये कंधा नहीं उठाना है, तब जाकर के स्ट्रेचिंग होगा। क्या हो रहा है पूरा पीछे से कमर के पास 2 लाभ, 1 आसन, 2 बीमारियों में जबरदस्त फायदा। सीधा करिए, फिर खींचिए इसको, 1, 2, 3, 4, सांस पूरा भरिए। बीच में लाते समय सांस छोड़ना है, नीचे लाते समय सांस को भरना है। अब इसको रोक, पैर पसारिए इसको। अब इस पैर को इस तरफ लाएंगे, अब इस हाथ से इसको पकड़ेंगे और वहां से चौकी पकड़ेंगे, और ध्यान रखिएगा कि कंधा नहीं उठे आप। एक गर्दन उधर उठा, 1, 2, 3, 4, 4-5 बार करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग देंगे, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे इसको, फिर ढीला करेंगे, फिर दबाएंगे इसको। देखिए इसमें टेक्निक क्या है, ये जो मैं यहां पकड़ा हूं बिंडली, इसको उधर की तरफ ऐड रहा हूं, उल्टा दिशा की तरफ, इस पैर को इधर ला रहा हूं, तो दोनों पैरों में खिंचाव हो रहा है। और देखिए क्या होता है, ये जो मैं ये साइटिका का नस जो है यहां से शुरू होकर के यहां तक आता है पीछे पीछे, ठीक है, और ये जो सियाटिक नर्व है इसमें वायु विकार हो जाने के कारण, नस दबने के कारण या किसी भी कारण से ये परेशानी हो रही है, तो आपको चलने में दिक्कत करेगा, आपको दौड़ने में दिक्कत करेगा, बैठने उठने में दिक्कत करेगा, और भविष्य में तो आदमी से लंगड़ा भी हो जाता है,
इसे इतिहास में लंगड़ी बीमारी भी कहते हैं। तो इस अभ्यास को 10 बार करेंगे। पैर सीधा करिए, अभी रोकिए। आज मैं यही 3 स्टेप बताऊंगा। पैर सीधा करिए, कंधा को नहीं उठाना है, पैर दाएं, गर्दन बाएं। 1, 2, 3, 4 और 5। पैर को पसार दीजिए, दोनों पैर को मोड़िए और एक और थोड़ा सा कमर इधर लाइए। पैर को ठीक बीच में रखिए, इधर लाइए। अब ये मुख्य आसन की तरह हम बढ़ रहे हैं, इसका नाम है मरकट आसन। इसमें दोनों हाथ कंधे के पीछे लगा दीजिए, माथे के पीछे दोनों हाथ को लगा दिए हैं और ये हटा देते हैं इसमें से, इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। अब करना क्या है कि सांस को पूरा भरना है आपको और पैर इधर आने दीजिए, दोनों सटा रहे हैं। पैर आ रहा है आपके बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, एड़ी एड़ी पर रखिए, अंगूठा अंगूठे पर रखिए। 1, 2 और गर्दन उधर ले जाइए, सांस पूरा भरिए। अब 2 लाभ, एक तो L1 से लेकर L5 का जो एरिया है यहाँ पर, यहाँ दर्द होता है और ये जो सैटिका की जो नसें हैं दोनों को आपको ये बैलेंस करेगा, ठीक रखेगा। 10 बार पैर सीधा तक लाएंगे, 1, 2, 3। आराम आराम से करना है, फबड़ा करके नहीं करना है। अब दूसरी तरफ से, अब पैर उधर गिरने दीजिए। एड़ी एड़ी पर, अंगूठा अंगूठे पर और घुटना घुटने, दोनों हाथ कंधे के माथे के नीचे दबाएंगे। फिर सीधा करिए पैर को, पैर सीधा ले आइए, वहीं पर वही सीधा रखना है, वहीं पर केवल मूव करा रहे हैं इसके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो मैं पैर यहां मुड़ा रहा हूं तो सीधे सीधे नहीं मोड़ा, इसको थोड़ा खींच रहा हूं अपनी तरफ। अब दोनों तरफ से 5-5 बार करना है, 1 बार दाहिने तरफ, गर्दन उल्टा कर लिए उसी से, 1, 2, 3, 4 और 5। अब पैर को पसार दीजिए, थोड़ा सा विश्राम करते हैं और विश्राम करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हमारा जो सैटिका है, हमारा जो कमर का दर्द है, वो धीरे धीरे पहले से अच्छा लग रहा है, पहले से आराम लग रहा है और जो स्टिफनेस आ गई है, जो खिंचाव आ गया है, जो कड़ापन आ गया है मेरुदंड में और जो नसें हैं सैटिका की, वो धीरे धीरे ढीली पड़ेंगी और हम इस बीमारी से अपने आप को बचा लेंगे। तो आइए एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।